कोरोना ने इस समय देश में कहर बरपा रखा है। हर तरफ अफरा तफरी और गम का माहौल है, लेकिन कुछ घटिया लोग ऐसे मुश्किल वक्त में भी इंसानियत को शर्मसार करने का काम करते रहते हैं। कोरोना की वैक्सीन ना मिलने से कई लोग दम तोड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी एमपी के इंदौर में एक डॉक्टर को कोरोना वैक्सीन की 400 डोज के साथ गिरफ्तार किया गया है। आरोपी डॉक्टर का नाम विनय त्रिवेदी बताया गया है। आरोप है कि विनय त्रिवेदी इंदौर में रेमडेसिविर नाम की कोरोना वैक्सीन की नकली शीशियां बेच रहा था। विनय त्रिवेदी के पास पुलिस को ऐसी 400 शीशियां बरामद हुई हैं। डीआईजी मनीष कपूरिया और कलेक्टर मनीष सिंह ने मीडिया को बताया कि आरोपी डॉक्टर विनय त्रिवेदी है। पुलिस को सूचना मिली थी कि रेमडेसिविर इंजेक्शन का स्टॉक किसी व्यक्ति के पास है और वो इंदौर में सप्लाई करने वाला है। ये जानकारी मिलने के बाद टीम ने पड़ताल की और डॉक्टर विनय त्रिवेदी को गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से 16 पैकेट मिले हैं। एक पैकेट में 25 वायल थे, यानी पुलिस को कुल 400 वायल मिले हैं। कोरोना जैसी महामारी में डॉक्टर ही उम्मीद की आखिरी किरण बचे हुए हैं। दिन रात हमारे डॉक्टर और नर्स कोरोना पीड़ित मरीजों की जान बचाने के लिए मेहनत करते हैं, लेकिन डॉक्टर विनय त्रिवेदी ने अपनी इस घटिया हरकत से अपने पेशे को ही बदनाम कर दिया। साथ ही नकली दवाई जाने कितने लोगों की जान भी ले चुकी होंगी। ऐसे घटिया आदमी पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। प्रोफेसर दिलीप मंडल ने इस बारे में ट्विटर पर लिखा, कोरोना काल में नकली दवा लेने का मतलब मौत है। ये दवा तो मर रहे मरीजों को बचाने के लिए दी जाती है, ये आतंकवाद है। इरादतन नरसंहार की कोशिश और UAPA और NSA के तहत मुकदमा दर्ज होना चाहिए। डॉक्टर विनय त्रिवेदी जैसे आदमी इंसानियत के सबसे बड़े दुश्मन हैं। आपका डॉक्टर विनय त्रिवेदी जैसे आदमी के बारे में क्या कहना है, कमेंट के जरिए जरूर बताएं और हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करें। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज़ बीक।